गोरखपुर में दो दिन में ना तो सड़क चौड़ी हो गई, ना ही कोई अतिरिक्त फोर्स और अफसर आए, लेकिन सोमवार को शहर का नजारा बदला नजर आया। नगर निगम और पुलिस के अफसरों ने मन से चाहा तो शहर के कई प्रमुख चौराहों से अतिक्रमण हटा दिया गया। इसकी वजह से वाहनों ने रफ्तार पकड़ ली। आपको बता दें, मुहद्दीपुर में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक को मैनुअल और लाइट दोनों से चलाए जाने से राहत हुई है। SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने शहर के धर्मशाला, बाजार चौराहा, मुहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर व नौसड़ सहित अन्य चौराहों का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। हर तरफ वाहन फर्राटा भरते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, ये यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मैं लगातार जो है कि भ्रमण करके विभिन्न चौराहों किराओं पर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ यातायात की क्या स्थिति, क्योंकि आज एक तो सोमवार है, सोमवार को ट्रैफिक का दबाव थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, एक कारण ये भी है, और वैसे भी प्रतिदिन मैं देखता हूँ। तो आज इस समय मोदीपुर में हूँ, मोदीपुर में एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले पर ट्रैफिक का दबाव रहता है ज्यादा, लेकिन आज वो भी खाली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक्टिव होके हमारे जो TNPSI हैं और भी कर्मचारी हैं, चौकी प्रभारी हैं, सारे लोग जो है कि काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, और ट्रैफिक यहाँ देख सकते हैं काफी कम रूप से चल रहा है, और जो यहाँ बाया लेन है वो आने वाला एयरपोर्ट की तरफ से बाया लेन लगातार चल रहा है, इस कारण भी ट्रैफिक का दबाव नहीं पड़ पा रहा है, सब नॉर्मली चल रहा है। इसी तरह से हमने चौराहे पर भी मैंने काली मंदिर देखा, गणेश चौराहा देखा, धर्मशाला देखा, सब जगह यातायात सामान्य गति से चल रहा है, कहीं पर कोई समस्या नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो ठेले खोमचे और भी पटरी पर दुकानदार है उनको भी दूसरी जगह व्यवस्थित ढंग से कराया जा रहा है, जिससे आवागमन में कोई समस्या ना हो। तो सारे लोग लोकल थाना पुलिस चौकी प्रभारी और हमारे TSI TI सारे लोग मिलकर जो है कि काम कर रहे हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि अगर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो मैनुअली उसको चलाएं, ट्रैफिक सिग्नल ब्लिंक करके जो है कि मैनुअली ट्रैफिक को निकालें, जहाँ जिस तरफ दबाव पड़ता है ट्रैफिक के लिए निकल।